फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लोग पैनाफिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में बताऊंगा कि इन दिनों से स्टॉक में जो शानदार तेजी देखने को मिल रही है, ये तेजी आगे भी जारी रहेगी या फिर अब इसमें नीचे की तरफ यानी कि अब इस स्टॉक में गिरावट आएगी। इस मुद्दे को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और यह भी बताऊंगा कि अभी हाल के दिनों में जो इस स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है और अब जो जाके ये स्टॉक मतलब एक कंसोलिडेट करने लगा है, तो इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के बाद फिर प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, क्योंकि जब ये स्टॉक लगातार नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था तो बहुत से लोगों ने इसके प्राइस को बढ़ते हुए देख के बाय किया था। तो अब वो लोग फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए इस मुद्दे को भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी देख सकते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान इसने ₹1.20 पर अपना क्लोजिंग दिया है। ये सिर्फ एक दिन की बात कर रहे हैं जिसमें 2.56% के आसपास तेजी देखने को मिली है। पिछले एक सप्ताह में देखेंगे तो एक सप्ताह में भी तकरीबन तेजी सेम ही है, यानी कि पहले जहाँ एक सप्ताह में तकरीबन 2.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी, अब वो सिर्फ एक दिन में भी इतना ही तेजी देखने को मिल रही है। यानी कि ये संकेत होता है कि एक अच्छी रैली इस स्टॉक में आने को है। वहीं पर एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में देखेंगे तकरीबन 107% के आसपास स्टॉक चढ़ा है, यानी कि तकरीबन एक मंथ से अधिक समय से इस स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अब ये रैली यहाँ पर आकर देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन है जो फंस गया है, एक कंसोलिडेट करने लगा है इस कंपनी का प्राइस, यानी कि इस लेवल के बाद से प्राइस ऊपर नहीं जा रहा। और सिक्स मंथ में देखेंगे तो सिक्स मंथ में स्टॉक तकरीबन 15-14% के आसपास आपको नेगेटिव रिटर्न देते हुए दिखेगा। यहाँ पर लोग पैनाफिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के चार्ट को ओपन करते हैं। साल भर का चार्ट यहाँ पर आपके सामने ओपन है और साल भर के चार्ट पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस कंपनी का शेयर प्राइस लगातार पिछले एक साल से तो नीचे ही आ रहा था यहाँ से देखेंगे तो। लेकिन यहाँ पर अप्रैल 2023 की जब बात करते हैं तो अप्रैल 2023 पर देखेंगे इस लेवल पर इसने तकरीबन 80 पैसा के आसपास सपोर्ट लिया था और यहाँ से प्राइस बढ़कर आया इस लेवल के आसपास। देखिए यहाँ पर आने के बाद देखेंगे दो दो बार इसने यहाँ पर अटेम्प्ट लिया है, लेकिन इस लेवल को ₹1.40 के आसपास जो लेवल था इसको ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पर समझना होगा कि ₹1.40 के आसपास इस कंपनी का रेजिस्टेंस था, जहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल पर इसने रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाया है। इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला लेवल। तो जो लोग चार्ट देखकर प्रेडिक्ट करते हैं उनको यहाँ पर लॉस होने से बच गया होगा, वो लोग यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल गए होंगे। लेकिन जो लोग जब इस कंपनी का शेयर प्राइस लगातार अप्रैल 2023 में बढ़कर ऊपर की तरफ जा रहा था और उस बढ़ते हुए प्राइस को देखकर उन्होंने एंट्री बनाया होगा, वो यहाँ पर अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि अभी प्राइस जैसे मैंने बताया कि कंसोलिडेशन रेंज में फंस गया और इस कंसोलिडेशन से जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक फिर उनका प्रॉफिट उनके पोर्टफोलियो में इस स्टॉक का प्रॉफिट शो नहीं करेगा। अब इसके लिए जरूरी है कि ये जो ₹1.40 का लेवल है इसको ब्रेक करके ये ऊपर निकले। और मुझे उम्मीद है कि अभी जैसे क्या होता है कि किसी स्टॉक का प्राइस काफ़ी दिनों के बाद जब ऊपर उठ रहा होता है तो ऐसे लगातार ऊपर नहीं उठता है, बीच बीच में क्या होता है कि थोड़ा बहुत नीचे आता है फिर ऊपर उठता है। तो वही ये अभी स्टॉक कर रहा है, थोड़ा ऊपर बढ़ा फिर नीचे आया और अभी ये कंसोलिडेशन रेंज में है, जैसे इसको ब्रेक करेगा फिर प्राइस ऊपर जाएगा। तो आपको इसमें पेशेंस बनाकर रखना होगा। जो सबसे अच्छी चीज़ इस स्टॉक को मुझे ये लगी, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसके बैलेंस शीट में जब बात करते हैं तो इस कंपनी के ऊपर कोई फिलहाल अभी डेप्ट नहीं है। यदि बोरो की बात करें तो आप देखेंगे इसमें कोई कर्ज है ही नहीं, पहले थोड़ा बहुत था, उसके पहले कुछ ज़्यादा था, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी का जो डेप्ट है वो कम ही हुआ है और जो रिजर्व पैसा होता है जो फ्री कैश फ्लो पैसा होता है देखेंगे आप बढ़ते हुए आपको दिखेगा। रिजर्व देखिए पहले 16 लाख था, फिर बाद में बढ़कर 2 करोड़ के आसपास हुआ, फिर 2.5 करोड़ के आसपास हुआ, यानी कि ये एक अच्छी बात है कि कंपनी के जो मतलब बैलेंस शीट है वो मजबूत हो रहा है। और सिर्फ बैलेंस शीट ही मजबूत नहीं हो रहा है, सिर्फ अगर ओवरऑल फंडामेंटल की बात करें तो आप देखेंगे ये कंपनी का ओवरऑल फंडामेंटल आपको यहाँ पर मजबूत होते हुए दिखेगा। तकरीबन 10 करोड़ की कंपनी है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड दोनों देखेंगे तो ये आपको डबल डिजिट में शो होते हुए दिखेगा। तकरीबन 10% के आसपास ROCE और तकरीबन 13.5% के आसपास ROE है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर जो भी आपका इक्विटी रहेगा उस पर कुछ ना कुछ रिटर्न ये कंपनी साल भर में बनाकर दे ही देगी। जरूरी नहीं कि 13% के आसपास है तो 13% मिले, लेकिन एटलीस्ट 10% तो आपको मिल ही जाएगा जब यहाँ पे इतना लिखा हुआ है तो। और दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है बुक वैल्यू के आसपास ही है, तो यह भी ठीक है। और फंडामेंटल धीरे धीरे जब शेयर प्राइस बढ़ेगा तो मजबूत ही होगा। कंपनी के काम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो ये जो कंपनी है फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, फाइनेंस सेक्टर में अलग अलग बिजनेसों में डील करती है, इन्वेस्टमेंट का भी काम करती है, लोन वगैरह प्रोवाइड कराती है, उससे भी इस कंपनी की कमाई होती है। तो ये ओवरऑल काम और फंडामेंटल के बारे में मैंने बता दिया, मैंने टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से भी आपको बता दिया कि कंपनी के शेयर प्राइस में अभी बुलंदी है, आपको पेशेंस रखना होगा तो आपका पैसा फंसेगा नहीं, आप इसमें प्रॉफिट में ही अपना इस शेयर को बेच के मुनाफा कमा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ पैनाफिक इंडस्ट्री के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा कोई भी सवाल होगा तो हमसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और यदि आप भी ट्रेडिंग करके शेयर मार्केट से रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पेम स्टॉक में अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए, उसका लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।